नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल एकेडमी के एनसीईआरटी सेक्शन में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 11 की समाजशास्त्र विषय की पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय, और इस किताब का आज हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय। अध्याय का नाम इस प्रकार है, सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय को और जानते हैं सबसे पहले इस अध्याय के परिचय को। दोस्तों यह पुस्तक समाज और व्यक्ति की अंतःक्रिया के बारे में चर्चा से आरंभ होती है। हमने देखा कि हम में से प्रत्येक का एक व्यक्ति की तरह समाज में एक स्थान या स्थिति होती है। प्रत्येक की एक प्रस्थिति और एक या अनेक भूमिकाएं होती हैं, लेकिन साधारणतः इनका चुनाव करना हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ये भूमिकाएं चलचित्रों की भूमिकाओं की तरह नहीं होती, जिन्हें कोई अभिनेता अपनी इच्छा से स्वीकार या अस्वीकार कर सके। यहाँ सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो प्रतिबंधित और नियंत्रित, दंडित और पुरस्कृत करती हैं। सामाजिक संस्थाएं राज्य की तरह बृहत या परिवार की तरह लघु भी हो सकती हैं। दोस्तों इस अध्याय में हमारा परिचय सामाजिक संस्थाओं से होगा और यह भी बताया जाएगा कि समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान में इनका अध्ययन किस प्रकार होता है। इस अध्याय में कुछ प्रमुख क्षेत्रों जिनमें महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएँ जैसे परिवार, विवाह और नातेदारी, ख राजनीति, ग अर्थव्यवस्था, घ धर्म एवं अंग शिक्षा होती है। इनका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। दोस्तों विस्तृत अर्थ में संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है और उसके नियमित तथा निरंतर कार्यचालन को इन नियमों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैं, साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। संस्थाओं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में भी देखा जा सकता है। वास्तव में लोगों ने परिवार, धर्म, राज्य या यहाँ तक कि शिक्षा को भी अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में माना है। क्रियाकलाप एक, लोगों द्वारा परिवार, धर्म, राज्य के लिए बलिदान देने के उदाहरणों के बारे में सोचें। चलिए अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले कुछ टॉपिक्स किस प्रकार के हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत संकल्पनाओं को समझने में अनेक प्रकार की भिन्नताएं और विरोधाभास है। हमारा परिचय प्रकार्यवादी और संघर्षवादी दृष्टिकोण से भी कराया गया है। हमने यह भी देखा है कि कैसे उन्होंने एक ही विषय वस्तु को विभिन्नता से देखा, जैसे स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी विभिन्न प्रकार की समझ है। एक प्रकार्यवादी दृष्टि सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखती है। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती हैं। इस प्रकार समाज में हमें औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएँ देखने को मिलती हैं, जैसे परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्था के, जबकि कानून और शिक्षा औपचारिक सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। दोस्तों एक संघर्षवादी दृष्टि की मानता है कि समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है। सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वे पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी या शैक्षणिक हों, समाज के प्रभावशाली अनुभागों, चाहे वे वर्ग, जाति, जनजाति या लिंग के संदर्भ में हों, के हित में संचालित होती हैं। प्रभावशाली
सामाजिक अनुभागों का न केवल राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व होता है, अपितु वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि शासक वर्ग के विचार ही समाज के विचार बन जाएं। यह विचार इससे बहुत भिन्न है कि किसी समाज की सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस अध्याय का आगे अध्ययन करेंगे, देखें कि क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं तथा अवसर भी प्रदान करती हैं। आप यह भी देखें कि क्या वे समाज के विभिन्न अनुभागों पर असमान प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं, कैसे परिवार पुरुषों और महिलाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अवसर भी प्रदान करता है, या राजनीतिक या कानूनी संस्थाएं विशेष सुविधा प्राप्त और अधिकार विहीन व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करता है। चलिए अब हम जानते हैं परिवार, विवाह और नातेदारी के बारे में। दोस्तों, शायद परिवार जितनी नैसर्गिक कोई अन्य सामाजिक संस्था नहीं दिखाई देती। प्रायः हम यह मानने को तैयार रहते हैं कि सभी परिवार वैसे ही होते हैं जैसे परिवारों में हम रहते हैं। कोई और सामाजिक संस्था इतनी व्यापक और अपरिवर्तनीय नहीं दिखती। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान ने कई दशकों तक विभिन्न संस्कृतियों में यह दर्शाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान किए कि कैसे विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए भी परिवार, विवाह और नातेदारी संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार परिवार आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक से संबंधित है। यह आपको पुनः याद दिला सकता है कि विभिन्न विषयों से लेन देन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसकी चर्चा हमने अध्याय एक में की थी। आर्यवादियों के अनुसार परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता करते हैं। प्रकारवादी दृष्टिकोण का तर्क है कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष परिवार की जीविका चलाएं, तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। तथापि भारत में किए गए अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रतिमानों में परिवारों को मूल होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि एक समाज के अनुभवों पर आधारित प्रवृत्ति का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। प्रकारवादियों के अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य घर से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य घर और बच्चों की देखभाल करता है। व्यवहारिक रूप से मूल परिवार में भूमिकाओं के इस विशिष्टीकरण में पति की जीविका चलाने वाले सहायक की तथा पत्नी की घरेलू संरचना में प्रभावशाली भावनात्मक भूमिका शामिल रहती है। इस दृष्टि पर न केवल अनुचित लिंग भेद के कारण प्रश्न किया जा सकता है, अपितु इतिहास और अनेक संस्कृतियों के आनुभविक अध्ययन दर्शाते हैं कि यह सत्य नहीं है। वास्तव में आप कार्य और अर्थव्यवस्था की चर्चा में देखेंगे कि वस्त्र निर्यात जैसे समकालीन उद्योग में महिलाएं श्रमिक बल का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इस तरह का विभाजन यह भी सुझाता है कि पुरुष ही आवश्यक रूप से परिवार के मुखिया हैं। नीचे दिया गया बाक्स दर्शाता है कि यह अनिवार्यतः सत्य नहीं है। ये देखते हैं महिला प्रधान घर के बारे में। जब पुरुष नगरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेतों के कार्यों का प्रबंध करना पड़ता है। कई बार वे अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाती हैं।
ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जाता है। विधवापन भी ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बना सकता है। यह स्थिति पुरुषों द्वारा दूसरा विवाह करने तथा अपनी पत्नियों, बच्चों और अन्य आश्रितों को धन न भेजने के कारण भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में महिला को अपने परिवार की देखभाल सुनिश्चित करनी पड़ती है। दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति समुदाय में महिला प्रधान घर एक स्वीकृत मानक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। भारत में एक मुख्य बहस मूल परिवार से संयुक्त परिवार की ओर बदलाव के बारे में है। हमने पहले भी देखा है कि समाजशास्त्र कैसे सामान्य बौद्धिक प्रभावों पर प्रश्न खड़ा करता है। तथ्य यह है कि भारत में मूल परिवार पहले से ही विशेषतः अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में हमेशा विद्यमान रहे हैं। समाजशास्त्री A.M. शाह का कथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। उनके अनुसार इसका मुख्य कारक था भारत में औसत आयु में वृद्धि होना। पुरुषों की आयु में यह वृद्धि 1941 से 1950 के दौरान से 1981 से 1985 के दौरान 32.5 से 55.4 वर्ष तथा महिलाओं की आयु में 31.7 से 55.7 वर्ष हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग लोगों जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। शाह लिखते हैं कि हमें यह पूछना होगा कि वे वृद्ध किस तरह के घरों में रहते हैं। मैं यह मानता हूं कि उनमें से अधिकतर संयुक्त घरों में रहते हैं। यह पुनः एक व्यापक सामान्यीकरण है, लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण हमें इस सामान्य बौद्धिक प्रभाव पर आंख बंद करके विश्वास करने के विरुद्ध सावधान करता है कि संयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं। यह हमें सावधानीपूर्वक तुलनात्मक और आनुभविक अध्ययनों की आवश्यकता के प्रति भी सतर्क करता है। दोस्तों, अध्ययनों से पता चलता है कि किस तरह विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज अपने विवाह और पारिवारिक प्रथाओं में मातृस्थानिक हैं और कुछ पितृस्थानिक। मातृस्थानिक परिवार में नव दंपत्ति पत्नी के अभिभावकों के साथ रहते हैं, जबकि दूसरी स्थिति में नव दंपत्ति पति के अभिभावकों के साथ रहते हैं। पितृतंत्रात्मक परिवार संरचनाओं में अधिकार और प्रभाव पुरुषों के पास होते हैं, जबकि मातृतंत्रात्मक परिवारों में निर्णय लेने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। मातृवंशी समाज मौजूद हैं, पर मातृतंत्री समाजों के बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता। चलिए अब देखते हैं परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परितनों से कैसे संबंधित होते हैं। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में प्रायः हम परिवार को अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक या राजनीतिक से भिन्न और अलग देखते हैं। फिर भी आप स्वयं देखेंगे कि परिवार, गृह, उसकी संरचना और मानक बाकी समाज से गहरे जुड़े हुए हैं। एक रोचक उदाहरण जर्मन एकीकरण के अज्ञात परिणामों का है। 1990 के दशक में एकीकरण के बाद जर्मनी में विवाह प्रणाली में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि नए जर्मन राज्य ने एकीकरण से पूर्व परिवारों को प्राप्त संरक्षण और कल्याण की सभी योजनाएं रद्द कर दी थी। आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावना के कारण लोग विवाह से इनकार करने लगे। इसे अनजाने परिणाम के रूप में भी जाना जा सकता है। इस प्रकार बड़ी आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण परिवार और नातेदारी परिवर्तित और रूपांतरित होते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन की दिशा सभी देशों और क्षेत्रों में हमेशा एक समान नहीं हो सकती।
हालांकि इस परिवर्तन का यह भी अर्थ नहीं है कि पिछले मानक और संरचना पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। परिवर्तन और निरंतरता सहवर्ती होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कोई भी परिवार किस तरह लिंगवादी है। इस विश्वास के कारण कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी, परिवारों में लड़कों पर अधिक धन खर्च किया जाने लगा। जीव विज्ञान के इस तथ्य के बावजूद कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जीवित रहने के अवसर बेहतर होते हैं, भारत में अल्पायु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों से कहीं अधिक थी। चलिए सारणी देखते हैं। इसमें दिया गया है भारत में 1901 से लेकर 2011 के बीच लिंगानुपात। दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं से लिंगानुपात में एकाएक गिरावट होने लगी। बाल लिंगानुपात 1991 में प्रति 1000 लड़कों पर 934 से कम होकर 2001 में 927 हो गया। बाल लिंगा अनुपात में प्रतिशत गिरावट अत्यधिक चौंकाने वाली है। समृद्ध राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी अधिक खराब है। पंजाब में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों का अनुपात 793 हो गया। पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में यह 700 से भी कम हो गया है। चलिए अब देखते हैं विवाह संस्था। ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समाजों में विवाह के व्यापक विभिन्न रूप पाए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन के लिए भी जाना जाता है। वास्तव में विवाह साथी की खोज का तरीका अनेक विस्मयकारी साधनों और प्रथाओं को उजागर करता है। चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार के विवाह के रूप होते हैं। विवाह के अनेक रूप हैं। इन रूपों को विवाह करने वाले साथियों की संख्या और कौन किससे विवाह कर सकता है को नियंत्रित किए जाने वाले नियमों के आधार पर पहचाना जा सकता है। वैधानिक रूप से विवाह करने वाले साथियों की संख्या के संदर्भ में विवाह के दो रूप पाए जाते हैं, पहला एक विवाह और दूसरा बहुविवाह। एक विवाह प्रथा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है। इस व्यवस्था में किसी भी समय में पुरुष केवल एक पत्नी और स्त्री केवल एक पति रख सकती है। यहाँ तक कि जहाँ बहुविवाह की अनुमति है वहाँ भी एक विवाह ही ज़्यादा प्रचलित है। प्रायः कई समाजों में व्यक्तियों को पुनः विवाह की अनुमति पहले साथी की मृत्यु या तलाक के बाद दी जाती है, लेकिन वे एक समय में एक से अधिक साथी नहीं रह सकते। ऐसे विवाह को क्रमिक एक विवाह कहा जाता है। अधिकांश भागों में पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुषों द्वारा पुनर्विवाह करने का नियम है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के लिए पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी और 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में विधवा पुनर्विवाह एक मुख्य विषय था। शायद आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी कि आज आधुनिक भारत में महिलाओं की आबादी का लगभग 10% और 50 वर्ष से अधिक आयु की 55% महिलाएं विधवा हैं। चलिए अब देखते हैं बहुविवाह प्रथा, जो कि एक समय में एक से अधिक साथी होने का घोतक है और इसमें या तो बहुपत्नी प्रथा, जैसे कि एक पति और दो या अधिक पत्नियां, अथवा बहुपति प्रथा जैसे एक पत्नी और दो या अधिक पति के रूप में होता है। प्रायः यहाँ आर्थिक स्थितियाँ कठोर होती हैं, वहाँ बहुपति प्रथा समाज की एक प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में एक पुरुष पत्नी और बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकता है।
अत्यधिक निर्धनता की अवस्थाएं भी एक समूह पर अपनी आबादी सीमित करने के लिए दबाव डालती हैं। चलिए अब देखते हैं विवाह निश्चित करना और इसके नियम और निर्देश। कुछ समाजों में विवाह साथी के चयन का निर्णय अभिभावकों और संबंधियों द्वारा किया जाता है और कुछ अन्य समाजों में साथी का चयन करने में व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। चलिए अब देखते हैं अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम। कुछ समाजों में यह प्रतिबंध अति सूक्ष्म होते हैं, जबकि कुछ अन्य समाजों में किस व्यक्ति से विवाह किया जा सकता है और किससे नहीं के नियम अधिक स्पष्ट और विशेष रूप से परिभाषित होते हैं। विवाह साथी की योग्यता और अयोग्यता नियंत्रित करने वाले नियमों के आधार पर विवाह के रूपों को अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है, उदाहरण के लिए जाति। इसके विपरीत बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह कुछ नातेदारी इकाइयों को संदर्भ के रूप में लिया जाता है, जैसे गोत्र, जाति और नस्ल, प्रजाति या धार्मिक समूह। भारत में विशेषतया उत्तरी भारत के कुछ भागों में गांव बहिर्विवाह प्रचलित है। गांव बहिर्विवाह यह सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह किया जाए वे घर से काफ़ी दूर हों। यह व्यवस्था लड़की के नातेदारों के हस्तक्षेप के बगैर उसके ससुराल में सुचारू परिवर्तन और समायोजन को सुनिश्चित करती है। भौगोलिक दूरी और प्रतिवंशी व्यवस्था के असमान संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि विवाहित लड़कियां अपने अभिभावकों के पास बार बार न जा पाएं। इस प्रकार जन्म स्थान से अलग होना एक दुखदायी अवसर है और यह लोकगीतों की विषय वस्तु है जो विदाई के दुख को चित्रित करते हैं। चलिए हम वो कविता पढ़ते हैं। पिताजी, हम चिड़ियों के झुंड की तरह हैं, हम दूर उड़ जाएंगी और हमारी उड़ान बहुत लंबी होगी। हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जाएंगी। पिताजी, मेरी पालकी आपके घर से नहीं जा सकती क्योंकि द्वार बहुत छोटा है। पिता बोलते हैं, बेटी मैं एक ईंट निकाल दूंगा तुम्हारी पालकी के लिए, मैं द्वार बड़ा करने के लिए। तुम्हें अपने घर पर वापस अवश्य जाना होगा। और एक दूसरी कविता है, मैं अपनी बच्ची को पालने में झुलाता हूँ और उसके सुंदर बालों में अंगुलियाँ फिरा रहा हूँ। एक दिन दुल्हा आएगा और तुम्हें दूर ले जाएगा। जोर से ढोल नगाड़े बजते हैं और मधुर सहनाई बज रही है। एक अजनबी का बेटा मुझे लेने आ गया है। मेरी सहेलियों, अपने खिलौने लेकर आओ, चलो हम खेलेंगी क्योंकि अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी जब मैं एक अजनबी के घर चली जाऊंगी। चलिए अब देखते हैं कुछ बुनियादी संकल्पनाओं, विशेषतः परिवार, नातेदारी और विवाह को परिभाषित करना। दोस्तों, परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों जैसे माता पिता, भाई बहन और संतान आदि को जोड़ते हैं। विवाह को दो वयस्क जिसमें पुरुष एवं स्त्री व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जब दो व्यक्तियों का विवाह हो जाता है तो वे परस्पर नातेदार बन जाते हैं। इस प्रकार वैवाहिक बंधन भी व्यापक क्षेत्र में लोगों को जोड़ते हैं। विवाह के माध्यम से अभिभावक, भाई बहन तथा अन्य रक्त संबंधी जीवन साथी के रिश्तेदार बन जाते हैं। जन्म के परिवार को जन्म का परिवार,
मतलब कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाता है, और जिस परिवार में व्यक्ति का विवाह होता है उसे प्रजनन का परिवार मतलब फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार और विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार कहा जाता है। अगले अनुभाग में कार्य और आर्थिक संस्थाओं पर चर्चा में आप देखेंगे कि कैसे परिवार और आर्थिक जीवन गहन रूप से अंतः संबंधित हैं। दोस्तों, इस वीडियो क्लास में इतना ही, और अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।